एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन मुकदमात पर समाअत करेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, दीगर मुलजिमान को पेश करने का हुक्म दे रखा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऐसे में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसी जानेंगे हमारे नुमाइंदा अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जी जैनब, बिल्कुल जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को रोकने के लिए जो है वो पंजाब पुलिस यानी कि लाहौर पुलिस की जो है वो हिकमत अमली आज काफ़ी जो है वो सख्त दिखाई दे रही है। पहले की नस्बत जो है वो आज सिक्योरिटी भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लगाई गई है एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर। उसके साथ साथ अगर अतराफ़ की सड़कों की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन मुकदमात पर आज समाअत करेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजिमान को पेश करने का हुक्म दे रखा है और ऐसे में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे।